वेलकम बैक सो इस ड्रामे का सेकेंड सीज़न भी मैंने सोचा कि एक्सप्लेन कर ही दूँ तो इस ड्रामे के सेकेंड सीज़न में बस सिंपली बस हमें हमारे आइडल्स की ट्रेजडी लाइफ को ही दिखाया जाता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि कैं कंपनीज आइडल्स को फोर्स करती हैं कैसे उन्हें प्रेशराइज करके हर काम करवाया जाता है मैंने स्टोरी स्टार्ट होती है तायून एंड जंगू से चाँपन की जोड़ी तो परफेक्ट चल रही थी या पे तायून जंगू से कहती है कि अगर कितना अच्छा होगा ना कि मैं तुम्हारी कॉन्सर्ट में आऊँ तो जंगू कहता है कि मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ कॉन्सर्ट में आने की जरूरत क्या है तभी वो यहाँ पर दायन को अपनी लाइव परफॉर्मेंस कर कर दिखाता है मतलब उसके सामने उसके बाद जंगू उससे बाय बाय कहकर वहाँ से जाने लगता है तभी दायुन कहती है कि आई होप कि हम जल्दी ही मिलें दरअसल जंगवू को अपने काम पर जाना था उसका शेड्यूल भी फिक्स हो चुका था एंड इसके चक्कर में उसका दायुन से मिलना तो इम्पॉसिबल है चाहे दायून का बर्थडे होता है तो वो पूरी तैयारी करके अपने घर पर बैठी होती है कि जंगू वहाँ पर आएगा बट जंगू तो आता ही नहीं और साथ साथ में बहुत ही अच्छा खाना भी प्रिपेयर करती है ताकि वो जंगू और वो एक साथ मिलकर से सेलिब्रेट करें पर ना ही जंगू का कॉल आता है ना ही उससे मिलने के लिए आता है पूरे रात वेट करने के बाद भी सुबह तक जंगू का कॉल लगता ही नहीं है इसके बाद दाम परेशान हो जाती है कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया इसके बाद क्या था दायुँ रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है जब आरी उससे मिलने के लिए आती है तो वो देखती है कि घर का बुरा हाल है इसके बाद वो सारा सामान समेटती है साथ में दायुन उनको भी संभालती है और वो जंगू को काफ़ी गालियाँ देती है और कहती है कि जंगू ना बहुत ही खच्चर इंसान है तभी तो तुम्हें छोड़कर चला गया तभी दायन कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा पिछली बार मैं उसे बिना बताए हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी बट उसने मुझे ढूंढा ना अब देखना वो पक्का मुझसे मिलने के लिए जरूर आएगा बट मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए यहीं पर जंगू की तो और बुरी हालत थी दरअसल उसकी कंपनी वाले उसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं इसके बाद उनके पास वाली फ़ोटो भी थी जिसमें जंगू और दायन एक दूसरे को किस कर रहे थे मतलब सारी कंपनी को पता चल गया था कि कि जंगू रिलेशनशिप में है इसके बाद जंगू पर कड़ी नज़र रख दी जाती है और उसका जो मैनेजर है वो उसके साथ चौबीस घंटे साय की तरह मंडराता रहता है एंड इसके चक्कर में उसका मोबाइल भी उससे जब्त कर लिया जाता है मतलब ना अब वो दायन को कॉल कर सकता था ना ही मैसेज भी को फिर से एक प्रोग्राम के लिए अप्रोच किया जाता है लेकिन बियोल साफ साफ मना कर देती है कि वो इन लाइव प्रोग्राम में जाना चाहती ही नहीं लेकिन इस पर उसके जो कंपनी के डायरेक्टर है वो उस पर चला कर भड़कने लगते हैं और वो कहते हैं कि तुम जानती हो उसका क्या मतलब है तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था एंड उसमें कंडीशन थी कि जब तुम्हें प्रोग्राम करने के लिए कहा जाए तो तुम्हें वो करना पड़ेगा एंड हम समझ ही सकते हैं यार इन आइडल्स की ज़िंदगी में भी कितना बवाल मचा रहता है बेअल का जो मैनेजर है वो बेल को फिर से सजेस्ट करता है कि तुम्हें दायन की फिर से एक बार हेल्प लेनी चाहिए तभी बियोल इसके लिए मना करती है और कहती है कि वो दायन को फिर से मुसीबत में क्यों डाले लेकिन जब वो दायन से इस बारे में बात करती है, तो लिए जाती है क्योंकि उसे पता है कि इसके चक्कर में उसे जंगू से हाल फिलहाल के लिए बात करने और उसे देखने का मौका तो मिलेगा वो सबके लिए मान जाती है और कहती है कि बेबुल तुम चिंता मत करो मैं सब कुछ संभाल लूँगी इसके बाद वो अपने प्रोग्राम में पहुँचती है यहाँ पर उसकी मुलाकात सभी से होती है लेकिन इस बार माहौल थोड़ा बदला बदला सा था इस प्रोग्राम में उसकी मुलाकात हमारे थर्ड मेन लीड दो यून से होती है जो कि काफ़ी काइंड है एंड आगे जाकर हमें इन दोनों की काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी यहाँ पर उसकी एक और प्रोग्राम में पार्टनर है उसका नाम है हाओ मैनेजर की बात करें तो उसका नाम है एदिन तो हवा ब्यूल से बात करने की कोशिश करती है तो उसे ब्यूल का नजरिया कुछ बदला बदला सा रखता है बट वो इग्नोर कर देती है इसके बाद इन सभी को मौका दिया जाता है अपना अपना पार्टनर चूज़ करने का जंगवू के लिस्ट में नाम ब्योल का आता है बट वो उसे चेंज कर देता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो ब्यूल के साथ रहेगा तो रीमर्स और ज़्यादा बढ़ेंगी इसके बाद दो यून और ब्यूल एक साथ पार्टनर हो जाते हैं एंड जंगवू और हवाए यहीं पर साथ में लूनी भी आई होती है उसने ब्यूल वाला ग्रुप छोड़ दिया है एंड वो नई कंपनी को ज्वाइन कर गई है उन्हें पहुंचते है अपने रंग दिखाने लगती है दरअसल वो ब्यूल को करती है और कहती है कि तुम फिर से बदली बदली लग रही हो यहाँ पर दो यून आकर बेउल को कम्फर्ट करता है और कहता है कि हमेशा से ऐसी हो एंड एक बात हम और बता दें तो लोनी को उसे उसकी कंपनी से निकाल दिया गया था क्योंकि ये रिमर बाहर फैली थी कि लोनी अपने ग्रुप मेम्बर्स को हरास करती है इसकी वजह से उसे ग्रुप से आउट कर दिया गया इसकी वजह से उसका जो गुस्सा है वो भी उनके लिए एकदम पारे पर चढ़ गया दोन और बियल दो बात करते हैं तो यह पता चलता है कि दो यून भी प्रोग्राम में आना नहीं चाहता था पर उसकी कंपनी ने उसे प्रेसराइज इस किया इसकी वजह से आज बेचारा यहाँ पर है एंड बियोल और दो यून में जल्दी ही काफी अच्छी दोस्ती बन जाती है यहीं पर हम जंगू की बात करें तो बेचारा काफी ज्यादा परेशान था जो उसका मैनेजर एरन था दरअसल वो उसे चैन की सांस लेने नहीं देता वो उसे फोन भी नहीं ऑफर करता था कि वो एक बार बेचारी बियुल से बात भी कर सके एंड इतने सरकम के बाद बेचारा एकदम हताश हो चुका था बियोल को देखें तो फिर से अपने कैफे पहुंच गई थी एंड यहाँ पर वो जीहान को देखकर काफ़ी खुश थी तभी वो जीहान उसे अप्रोच करता है लेकिन बिगोल थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करती है और वो कहती है कि मैंने कुछ भी चेंज नहीं कर पाया मैं आज यहाँ पर वापस आ गई जबकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं बदल कर आऊँगी लेकिन मैं फिर से अपनी सारी चीज़ों से भाग रही हूँ तभी जीहान कैमरा उठाता है उसकी फ़ोटो क्लिक करता है और कहता है कि देखो तुम्हें डर नहीं लगाना मतलब तुम चेंज हो चिंता मत करो धीरे धीरे सब बदल जाएगा जब वो कैसे ना कैसे बियोल से बात करना चाहता था इसके चक्कर में वो हवा से बात करता है ताकि वो उसकी और बियोल की बात करवा सके पर इतने में ही एजेंट बीच में टपक पड़ता है और वो कहता है कि तुम दोनों को बात करने की जरूरत क्या है जो काम है अपने काम से काम ही रखो इसके बारे में वो यून से भी कहता है तभी दो यून उसका फेवर करने से मना कर देता है बट वो सारी बातों को समझ चुका था इसके बाद इन सभी का प्रोग्राम स्टार्ट होता है जहाँ पर दो यून व तो दाय उनके साथ बैठे होते हैं मेन डांसर है तो उससे डांस करने के लिए कहा जाता है लेकिन दायून डांस तो कर नहीं सकती इसके बाद वो अपना दिमाग लगाती है और कहती है कि उसने एक नया टैलेंट सीखा है अपने प्रोग्राम के चलते फिर उसके बाद वो कहती है कि वो आर्म रेस्लिंग कर सकती है इसके बाद आर्म रेस्लिंग स्टार्ट होती है एंड देखते देखते वो सारे स्टाफ को हरा देती है इसके बाद दो भी उससे दो हाथ करने की सोचता है तभी वो कहता है कि वो सिर्फ अपनी दो फिंगर्स यूज़ करेगा लेकिन जब वायुन के सामने आता है तो उसे भी ऐसा लगने लगता है कि बस अब तो वो हारने वाला है इसके बाद वो आर्म रेसलिंग बीच में ही रोक कर कहता है कि इट्स इनफ मेरा हाथ दर्द करने लगा तभी दा, तभी दायन कहती है कि तुम चीटर हो क्योंकि तुमने बीच में ही रोक दिया बाहर आकर दायोन दायुन से सेम फेवर मांगती है जो कि जंगू ने उसे कहा था तोय कहता है कि ठीक है अब तुम दोनों इतना कह रहे हो तो मेरा काम क्या बन सकता है इसके बाद वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो इन दोनों की बात करवाएगा उनको जंगू की लिखी हुई चिट्ठी दे देता है इसने उसमें लिखा था मैं रात के दो बजे रूप टोप पर मुझसे मिल मिलने के लिए आना है इसके बाद क्या था दायोन तो इसके लिए पक्का तैयार हो ही जाती है कि वो मिलने के लिए पक्का जाएगी यहीं पर हम ब्यूल के कैफे में देखें तो सब कुछ ठीक चल ही रहा था तब तक था जब तक ब्यूल का फ़ैन उन सुख वहाँ तक नहीं पहुँचा था वो जैसे ही ब्यूल को देखता है वो समझ जाता है वो कहता है कि ब्यूल तुम यहाँ पर कैफ़े में क्या कर रही हो तभी ब्यूल कहती है कि एक मिनट में ब्योल नहीं हूँ लेकिन ये सुख को पूरा यकीन था दरअसल वो ब्यूल का तब से फ़ैन है जब से उसने डेब्यूट किया है इसके बाद ब्योल ये बात आरी से भी कहती है और कहती है कि वो एकदम समझ चुकी है कि उन सुख को सब कुछ पता है क्योंकि वो उसे तब से आता डेब्यूट किया है मतलब उसे मिसअंडरस्टैंडिंग का तो कोई सवाल ही पता नहीं होता है वो जो भी कह रहा है वो सब कुछ सही है एंड ये बात आ रही हो कहीं खटक नहीं लगती है, कहीं ये जीवन सुख जन सुख सारे काम पे रायता ना फैला दे लेकिन यूनसुक भाई साहब के जो इरादे हैं वो बहुत ही सस्पिशियस तो हमें लग ही रहे थे सच में यूनसुख की बात करें तो वो एकदम टॉक्सिक फ़ैन है वो एंड उसका एस्पेक्ट ये है ज़िंदगी का कि हो तो तुम्हें आइडल की तरह काम करना चाहिए ना कि अपनी ज़िंदगी से भागना चाहिए एंड वो यहाँ पर हमसे कहने की कोशिश करता है कि मेरा ये पर्पज़ है कि आइडल जहाँ पर उसे वहीं पर काम करना चाहिए चाहे वो काम तुम्हारे लिए सही हो या ना हो तुम उसमें कम्फर्टेबल हो या ना हो लेकिन जो आइडल का काम है मतलब लोगों को एंटरटेन करना तो वो करना चाहिए ना कि अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहिए यहीं पे हम लूनी और एडन को एक साथ देखते हैं मतलब लूनी और एडन एक साथ हो चले हैं और इन दोनों ने डिसाइड किया है कि वो ब्योल और जंगू को सामने लाकर कर रहेंगे दरअसल हम एडन की बात करें तो इतना ज़्यादा फ्यूरियस क्यों है हमारे जंगू पर हम इसका क्लियरिफिकेशन अभी दे दें दरअसल जो सारी कंपनी है वो एडन के डैड की है एंड उसके डैड हमेशा जंगू को प्रेफर करते हैं क्योंकि जंगू बहुत अच्छा आइडल है एंड वो सारा काम बहुत ज़्यादा दिल लगा करता है उसके डैड एडन को कोई भी भाव नहीं देता घर में उसे यह भी लगने लगा कि कहीं उसके डैड सारी प्रॉपर्टी चंगू के नाम ही ना कर दें और यही कारण है कि वो चाहता है कि वो जंगू कैसे ना कैसे अपनी कंपनी से बाहर निकाल दे ताकि उसका रास्ता साफ़ हो जाए ब्यूर को देखें तो वो दो बजे रूफटॉप पर पहुंच जाती है काफ़ी टाइम वेट करने के बाद जब जंगू नहीं आता तो काफ़ी परेशान हो गई थी इसके बाद जब गेट पर दस्तक होती है और जब ब्यल खोलने के लिए होती है तो जंगू उसे अंदर की तरफ खींच लेता है लेकिन उसका फ़ोन बाहर ही रह जाता है इसके बाद बिल्लू से कहती है कि तुम यहाँ पर इतने लेट कैसे तभी हमें पता चलता है कि लूनी और एडेन ये सभी कैमरे से देख रहे थे एंड जंगलों को ये सब पता था इसके बाद वो वो को लेकर वहाँ से चला जाता है और कहता है कि यहाँ पे ख़तरा है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए और दो लव बर्ड्स के लिए अच्छी सी प्लेस क्या हो सकती है ये दोनों जाकर रूम में छुपते हैं एंड वहाँ पर काफ़ी बातें करते हैं और ये दोनों काफ़ी टाइम बाद मिले थे तो इनका रोमांस तो बनता ही है इतनी जल्दी अब ब्योल गायब हो गई है तो मतलब कोई ना कोई मतलब तो निकलेगा ही और एडन और लूनी इतने ज़्यादा इतने ज़्यादा मेंटल तो है नहीं कि इस बात को समझे ना इसके बाद उन दोनों को समझ में आ जाता है कि ब्योल और जंग एक दूसरे से मिल चुके हैं मतलब कहीं पर तो मिले होंगे इन दोनों में कुछ ना कुछ चक्कर तो है ही तभी ब्यूल अचानक से गायब हो गई और साथ साथ में एडन को ब्यूल का मोबाइल भी मिल जाता है अगर उसका पासवर्ड खुला तो सारा दूध का दूध पानी का पानी तो होने वाला है एंड सभी को पता चल जाता है कि ब्योल दरअसल ब्योल है नहीं वो दायन है यहीं पर यौसक भी बेचारी बेउल के पीछे पड़ा हुआ था दरअसल वो फिर से कैफे आता है यहाँ पर वो आरी को देखकर कहता है कि क्या तुम बेल की फ्रेंड हो तभी आरी कहती है कि हाँ वो फ्रेंड है तभी उसे याद आता है कि उसे बेल का नाम तो लेना ही नहीं है फिर वो कहती है कि बेउल वो तो बेल को जानती नहीं है वो तो बस दाएं को जानती है बेओल से उसका कोई नाता नहीं है तुम सुनो तुम यहाँ पर आना बंद कर दो तुम्हारा यहाँ पर चांस लगने नहीं वाला उसके बाद अगले दिन प्रोग्राम स्टार्ट होता है जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट चल ही रहा था लेकिन तभी बेउल को ऐसी ड्रेस पहनने के लिए दी जाती है जो कि काफ़ी शॉर्ट थी एंड उसमें बैठना एंड फोटो क्लिक करवाना तो इम्पॉसिबल था जब भी उसे बैठने के लिए कहा जाता है तो बियल बैठ भी नहीं पाती तभी डायरेक्टर उस पर गुस्सा होते हैं कि तुम दो मिनट का एक काम भी नहीं कर सकती लेकिन तभी दो यून सामने आता है और अपना कोट बेल को पहना देता है और कहता है कि जिस ड्रेस में ब्यूल कंफर्ट है ही नहीं तो वो पहना कर हम फोटोशूट करा ही सी सकते हैं एंड दो यून इतनी ज़्यादा किया है जब हमारी बेउल की कर रहा है तो जंगू को तो गुस्सा आएगा उसे बहुत ज़्यादा जलजी होने लगती है कि आखिर दो यून उनके पीछे इतना क्यों पड़ा है दो जब अंदर जाती है तो उसे कोई भी ड्रेस नहीं मिलती पहनने के लिए तभी दो यून उसे अपना कोट ऑफर करता है एंड ब्योल उसे पहनकर फोटोशूट में आई जाती है उनको ये भी पता चलता है कि उसकी ड्रेस कोई और नहीं लूनी लेकर भाग गई थी एंड वो इतनी चोर हो सकती है उसे तो ये पता अभी चला था इसके बाद वो तो सारे स्टाफ के सामने लूनी की बेज़ती करता है और कहता है कि लूनी अगर तुम्हें ड्रेस चाहिए थी मंगवा सकती थी लेकिन नहीं तुम्हें तो चोरी करने की आदत है एंड तुम तो वैसे भी गुल के पीछे पड़ी हो हमेशा की तरह तभी तो तुम्हें तुम्हारी कंपनी से निकाल दिया गया ये बात लूनी को एकदम खटक जाती है और कहती है कि मैंने ये सब नहीं किया पर सारा स्टाफ तो जानते ही है कि लूनी की असलियत क्या है लूनी शेम शेम होकर वहाँ से चली जाती है एडिन के पास ब्यूल का मोबाइल था मतलब कुछ तो घमासान होने ही वाला है इसके बाद जो जंगू है वो पूरी तैयारी में था कि वो कैसे ना कैसे ब्यूल का मोबाइल ले ले एडिन को जाकर इसके लिए कन्फर्म करता है कि वो उसका मोबाइल उसे दे दे बट एडिन उसे पटक कर सोफे पर गिरा देता है और वो जस उसे मानने वाला ही होता है एन इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ तक के लिए बाय बाय टेक केयर जाइस